स्वागत खुशामदीद मेरे मेहरबान दोस्तों, मैं अन्नू कपूर हाजिर हूँ फिल्मी दुनिया के कहे अनकहे किस्सों और सदाबहार तरानों को लेकर आपके पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आप सबका एहतराम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ उन तमाम लोगों का जो 92.7 बिग एफएम पर सुन रहे हैं और स्टूडियो में बैठी हमारी ऑडियंस का। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बीते हुए कल यानी 4 अगस्त को हिंदी सिनेमा को एक ऐसा नायाब तोहफा मिला जो सचमुच में एक अकेला यूनिक तोहफा था, यूनिक गिफ्ट थी, वेरी प्रेशियस गिफ्ट। ये नायाब शख्सियत, टैलेंट का ये पावर हाउस हमारी हिंदी सिनेमा के इतिहास में अब तक अकेला एक ऐसा है जो सिंगर भी था, म्यूजिक डायरेक्टर भी था, गीतकार भी था, एक्टर भी था, डायरेक्टर भी था, राइटर भी था और प्रोड्यूसर भी था। एनी गेस? जी रविंदर जी बताइए। किशोर कुमार, जोरदार तालियां। और बिल्कुल सही आपने फरमाया, ये रविंद्र जी हैं, दिल्ली से आए हैं। कितनी जल्दी इन्होंने पहचान लिया, किशोर कुमार। आज का ये सुहाना सफर समर्पित है इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी, महान, अलबेले, अनूठे किशोर कुमार की याद में। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, बस एक मोती सी छब दिखाकर, सितारे शाम बन के आया बरंग खाबे सहर गया वो। मुझे लगता है ये कविता की चंद पंक्तियां किशोर कुमार की स्मृति में और किशोर कुमार के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही बैठती हैं। तो इससे पहले कि आज की ये महफिल जो खिराज अकीदत है, श्रद्धांजलि है, यादें हैं दादा किशोर कुमार की, आरंभ की जाए। मध्य प्रदेश का एक जिला, एक स्थान खंडवा में किशोर कुमार का जन्म हुआ था। नाम रखा गया आभास कुमार गांगुली। पिता एडवोकेट थे श्री कुंजलाल गांगुली और माता का नाम था गौरी देवी। किशोर कुमार के जीवन में 4 नंबर का बहुत महत्व है। 4 अगस्त को पैदा हुए, अपने बहन भाइयों में 4th नंबर पे थे। इनसे पहले 3 भाई बहन थे, सबसे बड़े अशोक कुमार यानी जिनको दादा मुनि कहते थे, उसके बाद इनकी बहन थी जिनका नाम था सती देवी, उसके बाद एक और भाई थे अनूप कुमार और चौथे यानी कि सबसे छोटे आभास यानी कि किशोर कुमार। किशोर कुमार जब बड़े हुए तो संयोग से शादियां भी 4 की इन्होंने। पहली शादी रूमा देवी गुहा ठाकुरता से, दूसरी मधुबाला से, तीसरी योगिता बाली से और चौथी और अंतिम शादी लीना चंदावरकर से। 4 अगस्त को पैदा हुए और 13 अक्टूबर 1987 13 के अंक को 1+3 करेंगे तो 4 नंबर होता है, उसी दिन वो इस दुनिया से विदा हो गए। तो आइए बात करते हैं आभास कुमार गांगुली, जो बाद में बने किशोर कुमार, के बचपन की। जब आभास कुमार गांगुली उर्फ किशोर कुमार लगभग 1 साल के थे तो उनके बड़े भाई अशोक कुमार को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा। इस वजह से किशोर कुमार को लगता था कि उनकी एक बहन है और एक भाई है अनूप। किशोर जब 4 साल के हुए तब बड़े भाई अशोक कुमार जी छुट्टियों में घर खंडवा वापस आए, लेकिन बालक किशोर के लिए तो बड़ा भाई वो बिल्कुल अजनबी की तरह। अब इतने दिनों के बाद बड़ा बेटा घर में आया है तो माँ का स्नेह, माँ का प्रेम, ममता उमड़नी लाजिम थी। माँ ने खीर बनाई और ये खीर किशोर कुमार को बहुत पसंद थी। देखिए बंगालियों को तो मीठा बहुत पसंद है लेकिन बालक किशोर कुमार हैरान रह गए जब कटोरा भर के, लबालब भरा कटोरा माँ ने उनके सामने ना परोसकर अपने बड़े बेटे अशोक के सामने परोस दिया।
किशोर कुमार तिलमिला उठे। बालक किशोर कुमार ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये हट्टा मुट्टा मुस्टंडा कौन है, तुम इसे इतनी खीर क्यों दे रही हो, मुझसे कम प्यार करने लगी? तब माँ ने जवाब दिया होगा कि नहीं बेटा, तुम जानते नहीं ये तुम्हारे सबसे बड़े भाई हैं अशोक कुमार। और तब अशोक कुमार ने उनको बुलाया, बच्चा छोटा होता है ना, बड़ा भाई बाहर चला जाता है तो एक एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, लैक ऑफ अटैचमेंट होता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तब बड़े भाई ने पास बुलाया, गले लगाया और तब दोनों के बीच में एक रिश्ता एस्टैब्लिश हुआ, प्रगाढ़ता बढ़ी, दोनों भाइयों के बीच में एक बॉन्ड बढ़ा। तभी किशोर कुमार ने कहा, तुम ही हमारे दादा मुनि। और इसके बाद ही किशोर कुमार को पता चला कि वो तीन नहीं टोटल चार भाई बहन हैं। अशोक कुमार ने ही अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि किशोर की आवाज बचपन में बहुत खराब थी, उनका गला बैठा हुआ था, खुलता नहीं था। एक बार जब माँ किचन में सब्जी काट रही थी तब किशोर भागकर अपनी माँ के पास आए और इत्तफाक से ऐसा हो गया कि माँ के पास रखी दराती, जो छोटी होती दराती, से उनके पैर की उंगली कट गई, उंगली काफी घायल हो गई थी, दर्द के मारे बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उंगली किसी तरह से ठीक कर दी, जोड़ दी, मगर उस वक्त पेन किलर इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे तो दर्द बहुत हुआ। बालक किशोर को दर्द के मारे सारी सारी रात रोते रहते थे, 15-15, 20-20 दिन तक किशोर कुमार रोए उस दर्द के मारे, और उस रोने की वजह से उनके वोकल कॉर्ड्स पे फर्क पड़ गया और एक अजीब सी हस्की आवाज किशोर कुमार की आ गई, रियाज हो गया, रोने की वजह से रियाज हो गया। वो गालिब का एक शेर है ना कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। तो किशोर कुमार इतना रोए कि उनकी आवाज पाक हो गई और आवाज जो निखर के आई वो बन गई मधुर किशोर आवाज। मेरे मेहरबान वापस आकर बताऊंगा कि खंडवा का आभास कुमार गांगुली किस तरह पहुंचा मुंबई और बन गया किशोर कुमार। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। किशोर कुमार को बचपन से ही शौक था संगीत का। ये संगीत या गाना बजाना ऐसी चीज है कि वो एक दिन में नहीं होता है, ये जन्मजात होता है। इसलिए अगर कोई सोचे कि सडनली किशोर कुमार को म्यूजिक का शौक हो गया हो तो मैं मानूंगा नहीं, ये कला के बीज जन्मजात होते हैं। कोई दुनिया का इंस्टीट्यूशन आपके अंदर की कला को चैनलाइज कर सकता है, उसको कल्टीवेट कर सकता है, लेकिन दुनिया का कोई इंस्टीट्यूशन एक नॉन आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं बना सकता, इतना ध्यान रखिएगा आप। अगर आप सोचें कि एक व्यक्ति है जिसके अंदर कला के कुछ कीटाणु ही मौजूद नहीं हो और उसको कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप देखते ना लड़के लड़कियाँ यहाँ पर आते हैं सिंगर बनने आते हैं और एक्टर बनने आते हैं, नहीं भाई मैं नहीं मानता हूं। 41 साल का अनुभव कह रहा है कि वो कला के बीज आपके अंदर मौजूद होने, उसके बगैर नहीं, बाकी तो गुरु के संगत के अंदर वो खिल जाता है, बिल्कुल अलग बात है। तो इस वजह से जब घर वालों ने देखा कि ये बालक आभास के अंदर ये है, कुछ बात है, तो दादा मुनि ने, बड़े भाई ने एक हारमोनियम छोटा सा लाकर अपने भाई को दे दिया। इस वक्त तक दादा मुनि यानी अशोक कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुके थे। ये वो जमाना था जब बहुत सारे एक्टर्स को अपने गाने खुद गाने पड़ते थे, याद कीजिए सुरैया का जमाना, उसके बाद आया जबकि, लेकिन दादा मुनि तो हमारे इंडस्ट्री के मोस्ट सीनियर एक्टर्स थे, उन्होंने गाने भी गाए हैं। हारमोनियम मिल गया और सहगल के भक्त रहे। आपको बता देना चाहता हूं कि तीन संगीत के, फिल्म संगीत के इम्पॉर्टेंट पिलर लता मंगेशकर, मुकेश जी और किशोर कुमार, ये सहगल भक्त थे। तो बालक किशोर कुमार सहगल की आवाज़ में हारमोनियम पे सुर लगा के गाना छेड़ दिया करते थे। एक दिन बड़े भाई ने कहा कि गाना सुनाओ, हमें भी गाना सुनाओ, मैं भी गाता हूँ, मैंने भी फिल्मों में गाना गाया है, तो मुझे भी सुना दो और सहगल साहब का भी गाना सुनाओ। तो
बालक आभास यानी किशोर कुमार ने कहा, सहगल के गाने का 5 आना लगेगा और दादा मुनि के गाने का 1 आना। सैगल के गाने की रेट 5 आना और दादा मुनि के गाने की 1 आना। हाँ, आपने पहले एपिसोड में भी बताया था कि पैसों को लेकर बचपन से मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। तो अशोक कुमार थोड़ी देर तक सैगल का गाना सुनते रहे, उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे आभास मेरा भी तो गाना सुना। उन्होंने कहा 1 आना दीजिए, सुनाता हूँ। फिर उसके बाद दादा मुनि ने कहा होगा, ऐसा सोच सकते हैं हम कि हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, कि सहगल का गाना, कहले नहीं अब सहगल साहब का रेट बढ़ गया है और अगर आपको अपना गाना सुनो तो आपका गाना एक गाने में ही रहेगा, सहगल का गाना सुनना है। अशोक कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में अपने भाई के बारे में कहा था, पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका। तो जैसे तैसे स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की और जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो अपने कॉलेज के लेसन्स ट्यून करके ही याद किया करते थे। उन्होंने माल्थुसियन थ्योरी को भी ट्यून करके याद कर रखा था। जी आप समझे। एक बड़ा मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि पंजाब में क्लास चल रही थी तो गुरुजी ने कहा कि कल पहाड़ा याद करके आना। 2 1 2, 2 2 4, 2 4 3 6, 2 4 8, 2 5 10। दूसरे दिन बच्चे आए तो उन्होंने एक बच्चे से कहा, हरमिंदर खड़ौता हो जा, मतलब खड़े हो जाओ अब बेटा पहाड़ा सुना। तो बच्चा हरमिंदर जो था वो कहला, तो गुरुजी ने जड़ दिया एक तमाचा, कहंदे पहाड़ा किथे, कहंदे जी पहाड़ा नहीं है तो ट्यून तो याद है मैनू। ट्यून तो मैनू याद है ना। तो हाँ, तो किशोर कुमार भी ट्यून याद करते थे, थ्योरी याद हो गई नहीं, तो सारी थ्योरी उन्होंने म्यूजिकल याद कर रखी थी। समझे ना ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो ये पैशन देख के घर वालों को लगा और दादा मुनि आई चो बड़ा भाई आ चुका था, लगा कि यार यहाँ पे इस बच्चे को, छोटे भाई को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको भेजना चाहिए। और उन्होंने कहा चलो जितनी पढ़ाई कर ली है अब कर ली, अब चलो मेरे साथ। तो इस तरह से किशोर कुमार पहुंच गए अपने भाई का दामन थाम के मुंबई। घर पे ही रहते थे और सिंगिंग काम करते रहते, रियाज करते रहते और दिन के टाइम पे स्टूडियो के चक्कर काटा करते थे। सबसे पहले चक्कर काटने का और संघर्ष करने का, जो मेहनत करने का, जैसे कहते हैं ना यार, संघर्ष रंग लाया मेरा, मेहनत रंग लाई, ये रंग लाई 1946 में जब उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर सरस्वती देवी ने चांस दिया एक फिल्म में। फिल्म का नाम था 80 डेज, लेकिन ये चांस कोरस में गाने का चांस था। आप समझ सकते हैं, कोरस में भी मिल गया तो ये चांस ही कहा जाएगा सबसे पहले। जी। और उसके बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ होगा कि घर पे होंगे तो दादा मुनि से मिलने प्रसिद्ध उस जमाने के स्टार म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश मिलने आए और कहीं दूर किसी कमरे में किशोर कुमार बैठे बैठे कुछ अपना कुछ जी लगे हुए आप इमेजिन कर सकते हैं। 1948 की बात है, जब खेमचंद प्रकाश ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि दादा मुनि इस बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट है। और खेमचंद प्रकाश ने पहला ब्रेक दिया किशोर कुमार को एज ए सोलो सिंगर। फिल्म थी जिद्दी और इसी जिद्दी फिल्म से, इस फिल्म की कहानी लिखी थी इसमत चुगताई ने, इसी जिद्दी फिल्म से दरअसल देवानंद का करियर भी लॉन्च हुआ, आप ध्यान रखेंगे। और सोलो जो गाना किशोर कुमार ने प्लेबैक गाया है वो गाना देवानंद के ऊपर पिक्चराइज्ड है। दिस वॉज द फर्स्ट एवर सोलो सॉन्ग बाय ग्रेट किशोर कुमार, कंपोज्ड बाय खेमचंद प्रकाश, फिल्म जिद्दी 1948। विद दिस फिल्म देवानंद का करियर भी लॉन्च हुआ और ये पहला पड़ाव था देव साहब के लंबे स्टारडम के करियर। किशोर कुमार अपने बड़े भाई अशोक कुमार के घर पर ही रहते थे और वहीं पे उन्हें मिली पहली फिल्म दादा के संरक्षण में, बड़े भाई के छत्रछाया के तले। लेकिन इसी बड़े भाई ने क्यों निकलवा दिया उन्हें फिल्म कंपनी
बॉम्बे टॉकीज से। क्यों किया बड़े भाई ने? बड़े भाई की बेरुखी का राज बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विथ अनु कपूर। आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट, स्टोरी राइटर, प्रोड्यूसर एंड ग्रेट वर्सटाइल आर्टिस्ट किशोर कुमार का। किशोर कुमार को किशोर कुमार बनाने का श्रेय, वो सपोर्ट जाहिर है, अशोक कुमार को जाता है। दादा मुनि ने सहारा दिया। भाई मुझे लगता है कि आज भी बड़ा भाई, इतना कलयुग होने के बावजूद बड़े भाई छोटे भाई को सहारा देते हैं, ऐसी क्या बात है? कोई एहसान की बात नहीं है। आई एम श्योर के दादा मुनि के मन में कहीं ऐसा नहीं होगा कि मैं किशोर के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई ने भी मुझे सहारा दिया, रंजीत कपूर ने, उन्हीं की वजह से आया, उन्हीं के घर पर मैं भी रहा मुंबई में। यहीं पर पहली फिल्म, बता चुका हूँ, जिद्दी फिल्म में मरने की दुआएं क्यों मांगू, ये गाना मिला, पहला ब्रेक मिला, काम चल पड़ा। लेकिन एक ऐसा दौर आया जब दादा मुनि इतने नाराज हो गए कि उन्हें एक सख्त स्टेप बहुत उठाना पड़ा किशोर कुमार को बॉम्बे टॉकीज से निकलवाने का। बात तकरीबन 50s की, 1950 की समझ लीजिए। धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रहे थे, काम थोड़ा थोड़ा मिल रहा था, बॉम्बे टॉकीज में थे। तब इनकी मुलाकात हुई रूमा गोहर ठाकुरता से, बॉम्बे टॉकीज में ही हुई थी। रूमा देवी वहां एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। दोनों साथ साथ मिलने बैठने लगे, मुलाकातें बढ़ी, ये मुलाकातें प्यार में तब्दील हो गईं और एक पॉइंट पर दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों शादी कर लेंगे। घर वालों तक जब ये बात पहुंची, खासकर किशोर कुमार के घर वालों तक, तो हंगामा मच गया। आभास कुमार गांगुली, गांगुली ब्राह्मण परिवार, और रूमा देवी ब्राह्मण नहीं थी, गैर ब्राह्मण थी। ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं आज से 63 साल पहले की। इस बात को लेकर परिवार में इतना मतभेद हो गया और दादा मुनि भी इतने नाराज हो गए, उन्होंने कहा मैं शादी एक्सेप्ट नहीं करता हूं। बात हद से ज्यादा बढ़ गई, किशोर ने रिबेल करना शुरू कर दिया और दादा मुनि ने गुस्से की इंतहा में आकर किशोर कुमार को बॉम्बे टॉकीज से भी निकलवा दिया और अपने घर से भी किशोर कुमार को निकाल दिया। इतनी बड़ी बात हो गई थी कि गैर ब्राह्मण लड़की के साथ तू कैसे शादी कर सकता है। रूमा देवी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो वक्त इस कपल के लिए, रूमा देवी और किशोर कुमार के लिए, सबसे मुश्किल भरा, संघर्षों भरा समय था। किशोर के पास कोई सहारा नहीं था, कोई काम नहीं था, कोई घर नहीं था। फिर भी ऐसे मुश्किलों भरे वक्त में किशोर कुमार का साथ दिया पहला ब्रेक देने वाले खेमचंद प्रकाश जी ने, और उसके बाद उनको सहारा दिया सचिन देव बर्मन ने, पूरा सपोर्ट। सचिन देव बर्मन इतना प्यार करते थे कि वो आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने किशोर कुमार के लिए किया जो कर सकते थे। ये बात किशोर कुमार सारी जिंदगी भूले नहीं, पिता के समान मान देते रहे सदैव किशोर कुमार सचिन देव बर्मन को। जब किशोर कुमार स्टार बन गए और उन्होंने बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर को नचवाया, तब भी सिर्फ सचिन देव बर्मन एक वो शख्सियत था जिसके बारे में कहा जाता था कि किशोर कुमार बिल्कुल सीधे होके उनके स्टूडियो में एंटर करते थे, नो शरारत, नो नटखट, नो मस्ती। सचिन देव बर्मन का बहुत अहम रोल है किशोर कुमार द स्टार की लाइफ में। सचिन देव बर्मन की वजह से किशोर और उनकी पत्नी रूमा देवी ने पहली बार हवाई यात्रा की मद्रास की। सचिन देव बर्मन की वजह से ही किशोर कुमार को मिली फिल्म बहार, जिस वजह से उनकी एंट्री हुई मद्रास के स्टूडियो एवीएम प्रोडक्शंस में, जिसके लिए बाद में न सिर्फ उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, एज एन एक्टर भी बहुत कुछ काम किया।
ये बहार फिल्म के अंदर मुख्यतः शमशाद बेगम के गाने हैं। ये गाना बहार फिल्म का बहुत बहुत पॉपुलर गाना है, इसके ऊपर बहुत सारे रीमिक्स भी बने, आप सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बहार फिल्म में एक गाना गीता दत्त जी ने गाया था, एक गाना तलत महमूद ने गाया, बाकी गाने शमशाद बेगम जी के गाए हुए, लेकिन एक गाना किशोर कुमार ने गाया। उनको विचारों का गाने किशोर कुमार को ऐसे ही मिले हैं। बात चल रही थी सचिन देव बर्मन और किशोर कुमार के रिश्ते की, सचिन देव बर्मन के कंट्रीब्यूशन की उनकी लाइफ में, सुपरस्टार किशोर कुमार की लाइफ में सचिन देव बर्मन का कंट्रीब्यूशन। बाहर फिल्म मिली, सपोर्ट किया, और सचिन देव बर्मन की ही वजह से किशोर कुमार को प्राप्त हुआ उनके करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म थी आराधना। चर्चा करेंगे द मोस्ट वर्सटाइल आर्टिस्ट किशोर कुमार, येट सबसे ज्यादा नॉटी नटखट मस्ती वाले किशोर कुमार की, किसके लिए खुंदक खाकर सर मुंडवा दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। किशोर कुमार शरारती थे ये सब जानते हैं, मगर किस हद तक ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। शूटिंग के दौरान सेट पे सडनली लोगों को डरा देना, कभी कभी रिकॉर्डिंग में लोग वेट करते रहते और किशोर कुमार खंडवा भाग जाते सेट से भाग जाना, बिना पैसे रिकॉर्डिंग में गाना नहीं गाना, मतलब जब तक उनका जो असिस्टेंट या मैनेजर जो भी होता है उनके साथ एक कोड वर्ड था, चाय पी ली, नहीं दादा आ रही है। अब अगर वहां से बाहर से मैनेजर का ये मिला तो आप समझ लीजिए मेरे सुर ही नहीं लगता था। दादा चाय पी ली, बड़ी गरम चाय थी मेरे, फिर ये सारे बहाने सारे पैंतरे थे किशोर कुमार के। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ जो उन्होंने किया वो तो कुछ ज्यादा ही था। ऋषिकेश मुखर्जी जब उनसे पहली बार मिले तभी ऋषिदा को ये लग गया था कि ये एक बेलगाम घोड़ा है जिसे काबू करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इसे काबू किया तो जो इससे करवाना है वो भी नहीं कर पाएगा। और हुआ भी यूं कि मुसाफिर फिल्म का कुछ पैच वर्क बाकी था, इसलिए ऋषिकेश मुखर्जी ने शूटिंग की तारीख किशोर कुमार से म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ तय कर ली। संयोग से किशोर कुमार उन्हीं दिनों साउथ से मिस मैरी की शूटिंग से वापस आए थे, ये किशोर कुमार एज एन एक्टर की बात कर रहा हूं मैं, और उनका मन नहीं था कि ऋषिकेश मुखर्जी की शूटिंग करें, तो उन्होंने कोशिश की कि शूटिंग टल जाए, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम दे चुके हो शूटिंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अब जिस दिन शूटिंग का दिन था सब कुछ तैयारी थी, स्टूडियो में सेट लगा था, पूरी यूनिट पहुंच चुकी थी, हर डिपार्टमेंट रेडी था, बस इंतजार था किशोर आ जाएं तो शूटिंग शुरू करें। एक घंटा बीत गया, दूसरा भी घंटा बीत गया, और 4-5 घंटे तक कोई खबर नहीं किशोर कुमार की। अब देखिए मोबाइल का जमाना तो नहीं था, ऋषिदा थोड़े से अंदर ही अंदर व्याकुल हो रहे थे। मालूम तो था ये बेलगाम घोड़ा है, ऐसे बस में नहीं आएगा, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जरा मैं चुपचाप से सरप्राइज विजिट दूं और जाऊं किशोर के घर पर, देखूं कि माजरा क्या है, क्यों नहीं आ रहा, कहां है। ये मन बना के ऋषिकेश मुखर्जी पहुंचे किशोर कुमार के घर, नौकर मिला, नौकर से पूछा भाई ठीक ठाक तो है सब, कहां है। तो नौकर ने कहा कि दादा आप अंदर जाएं और देख लें कि कहां हैं और क्या हैं, भाई हालत हालचाल पूछे होंगे कैसा है क्या है। तो नौकर ने कहा कि आप ही खुद जाके देख लें। ऋषिकेश मुखर्जी नौकर के कहने पर जब उस पर्टिकुलर कमरे में पहुंचे जहां का इशारा नौकर ने कहा था, तो अभी दरवाजा खोला ही नहीं था कि किशोर कुमार की आवाज आई जोर जोर से चिल्लाने की, दादा
दादा अंदर मत आइएगा ऋषिदा, अंदर मत आइएगा ऋषिदा, अंदर मत आइएगा ऋषिदा। लेकिन ऋषिदा तो मन बना के आए थे कि मैं जान के छोड़ूंगा कि आ क्यों नहीं रहा है मेरे सेट के ऊपर, माजरा क्या है। उन्होंने भड़ाक दम से दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद ऋषिकेश मुखर्जी को सामने दिखाई दी किशोर कुमार की सूरत। इस सूरत को देखकर ऋषिकेश मुखर्जी के हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि किशोर कुमार ने अपना पूरा सिर मुंडवा लिया था, गंजे होके बैठे थे। उन्होंने कहा, दादा अब तो मैंने शेव करवा लिया, मुंडन करवा लिया, और अब जब मेरे सर पे बाल आएंगे तभी मैं शूटिंग कर पाऊंगा। बाल आते आते उत्तर आते 6-8 महीने लगते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी भी मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, किशोर तेरी ये शरारतें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे मालूम था कि तेरे साथ काम करने में मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने अपने मेकअप डिपार्टमेंट से एडवांस में ही कह के रखा था कि जरा संभलना, इसके सर का नाप ले लेना, मैं तेरी विग बनवा लूंगा। विग बनाया, तुझे शूटिंग तो करनी पड़ेगी। और विग तैयार हो जाएगी सर लाए, और तू परसों से ही शूटिंग करेगा। मुझे समझ में नहीं आता, और इस तरह से शूटिंग हुई होगी। किशोर कुमार ने बचने की कोशिश की, लेकिन अगर ये आभास कुमार गांगुली थे तो उसका नाम भी ऋषिकेश मुखर्जी था। दो बंगाली मिल जाए तो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मुझे आप में से कुछ बता सकते हैं कि किशोर कुमार क्या आपको लगता है क्यों इस तरह से करते थे? जी आप कुछ बताएंगे रविंदर जी? उनका एक नेचर था नॉटी, ही वाज अ नॉटियर, ही वाज अ वेरी रोमांटिक पर्सन आल्सो एट द सेम टाइम। जो बिकॉज ऑफ नॉटी नेचर, और जब आदमी दिल से खुश होता है तो ये सब हरकतें करता है। किशोर कुमार पर क्यों जड़ दिया गया केस और क्यों लगा दी गई पाबंदी उनके एक्टिंग करने पर? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। बात हो रही है किशोर कुमार की, मना रहे हैं ग्रेट लेजेंड किशोर कुमार का जन्मदिन। एज ए सिंगर मैं बता चुका हूं, उनका सफ़र आरंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी 1948 की फिल्म जिद्दी से। और ये प्रोफेशनल करियर बहुत सारे पड़ावों को छूता हुआ, मुकामों से गुजरता हुआ, फिल्म वक्त की आवाज़ पे ख़त्म हुआ। 1988 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, जहाँ उन्होंने आशा भोसले के साथ अपना आखिरी गीत गाया। इतने सालों के सफ़र में किशोर कुमार ने 2905 गाने गाए, जिनमें से 8 गानों के लिए उन्हें फिल्म फेयर के अवार्ड से नवाजा गया। ये गाने थे, पहला गाना जब बता चुका हूँ रूप तेरा मस्ताना, फिर उन्हें अवार्ड मिला बेस्ट सिंगर का, दिल ऐसा किसी ने मेरा, खाई के पान बनारस वाला, हजार राहें मुड़ के देखी, थोड़ी सी बेवफाई, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नमक हलाल, अगर तुम ना होते, टाइटल ट्रैक अगर तुम ना होते के लिए, और सागर फिल्म का, और 8वां मिला मंजिलें अपनी जगह फिल्म शराबी के लिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किशोर कुमार का पहला एक्टिंग असाइनमेंट कौन सा था, कैसे चली इनकी एक्टिंग की गाड़ी। बात तकरीबन वही है 1950 की, जिद्दी की शूटिंग चल रही थी, तब एक माली का रोल करने वाला एक्टर नहीं आया, तो दादा मुनि ने किशोर से कहा कि तुम ये माली वाला रोल तुम कर लो। किशोर कुमार घबरा गए, कहा दादा ये एक्टिंग वैक्टिंग मुझसे नहीं होगी, आप किसी और से करवा लीजिए। मगर दादा मुनि ने समझाया, प्रेशर दिया, किशोर मान गए और रोल कर लिया। उन्होंने दादा मुनि से सारी ट्रेनिंग ले ली कि कैसा काम करना है, कैसे कैमरा फेस करना है, कैसे डायलॉग बोलने हैं। और इंटेलिजेंट आदमी तो था किशोर कुमार, बचपन से ही दादा मुनि से जो सीखा फटाफट ग्रैब कर लिया। एक शॉट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, एक बार फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि इसका रीटेक लेना पड़ेगा। ये खबर सुनते ही किशोर कुमार को लगा कि इस सीन का रीटेक होने वाला है, तो वहां से भाग लिए। ये नटखट किशोर को है। सारे स्टूडियो में लोगों ने ढूंढा कि किशोर कुमार कहाँ गायब हो गए। बड़ी मुश्किल से 3 घंटे के बाद इन्हें ट्रेस किया गया, समझे आप?
ये वो माली वाले का चक्कर ही है। और उस माली वाले सीन का रीटेक हुआ पहली बार में। जी वैसे सेट से किशोर कुमार के भागने के हजारों किस्से हैं। ऐसे ही एक बार डायरेक्टर अरविंद सेन की एक फिल्म कर रहे थे जहां इन्हें एक पॉइंट से कार को चलाकर दूसरे पॉइंट से होते हुए फ्रेम से आउट हो जाना था। निकली गाड़ी वहां से गई, आउट हो गए। डायरेक्टर ने कहा एक्शन, किशोर कुमार ने गाड़ी स्टार्ट की और फ्रेम से आउट हो गए। और ऐसे आउट हुए कि 3 घंटे के बाद फोन करके कहा तुमने कट नहीं बोला तो मैं गाड़ी चलाता चलाता पनवेल तक पहुंच गया। जिद्दी फिल्म से किशोर कुमार एक्टिंग में ही कूद गए और लगभग 102 फिल्मों में एक्टिंग की। इनमें से भाई भाई, बाप रे बाप, भागम भाग, न्यू दिल्ली, आशा, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, पड़ोसन, झुमरू वगैरह वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट फिल्में हैं। इतनी सारी फिल्में एज एन एक्टर करते करते एक पॉइंट पे किशोर कुमार की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्होंने कुछ ज्यादा ही काम अपने हाथ में ले लिया, जरूरत से ज्यादा फिल्में साइन कर ली और फिर जब उन फिल्मों को समय नहीं दे पाए, उनकी शूटिंग के लिए डिवोट नहीं कर पाए, डेट्स नहीं निकाल पाए, तो फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मिलकर उनके खिलाफ केस भी दायर कर दिया था और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एक्टिंग करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। ऐसे हालत में किशोर की पत्नी रूमा देवी ने एक पत्र लिखकर किशोर को समझाया उनके एक्टिंग पर पाबंदी है, उनके गाने पर पाबंदी नहीं है, तो क्यों ना वो एक्टिंग भूलकर एक सिंगर के रूप में अपनी एक नई पारी शुरू कर दें। और इसी के बाद किशोर की जिंदगी में आई आराधना की सफलता के बाद सिंगिंग के काम मिलने शुरू हो गए और किशोर कुमार ने बहुत सी फिल्मों में एक से बढ़कर एक गीत गाए और किशोर कुमार की नई पारी का आगाज बेहतरीन हुआ। कटी पतंग, प्रेम पुजारी, सच्चा झूठा, सफर, अमर, प्रेम, अंदाज, गैम्बलर, हरे रामा, हरे कृष्णा, डॉन, सागर एंड सो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं महान कलाकार किशोर कुमार का जन्मदिन। वापस आकर बताऊंगा किशोर कुमार के जीवन की कुछ कही अनकही कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। किशोर कुमार की 4 पत्नियों में से प्रथम जो उनकी पत्नी थी रूमा देवी, उनके साथ तलाक हो गया था। रूमा देवी के ही पुत्र हैं अमित कुमार। दूसरी वाइफ मधुबाला हार्ट की बीमारी की वजह से चली गई। तीसरी पत्नी योगिता बाली से भी उनकी शादी कामयाब नहीं रही। इनकी चौथी और आखिरी पत्नी जिंदगी में कैसे आई ये मैं आपको बताता हूँ। इनकी चौथी पत्नी लीना चंदावरकर भी इनसे शादी करने से पहले एक शादी कर चुकी थी, सिद्धार्थ काकोड़कर, शशिकला काकोड़कर गोवा की चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, उनके भाई के साथ। जब तक किशोर कुमार की तीसरी शादी टूटी तब तक लीना चंदावरकर के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। इसके बाद जब किशोर कुमार को यह मालूम हुआ तो उन्होंने लीना चंदावरकर के साथ एक फिल्म प्लान की अपने आप को लेकर, लीना हीरोइन हो और वो खुद हीरो हो। लीना के घर पे पहुंचे, बात की। लीना चंदावरकर उन दिनों सीरियस फिल्म किया करती थी और किशोर कुमार का इम्प्रेशन था कॉमेडी फिल्म बनाते हैं, तो लीना ने तकरीबन मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी फिल्म के लिए ठीक नहीं हूँ, मैं कॉमेडी रोल्स नहीं कर पाऊंगी। तब किशोर कुमार ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि मैंने एज ए डायरेक्टर दूर गगन की छाँव में और दूर कराही जैसी फिल्में बनाई हैं, फिल्में गंभीर बनाई हैं किशोर कुमार ने, ध्यान रखिएगा, तो मेरी जहनीयत सीरियस काम करने की है। आप ध्यान रखेंगे कि किशोर कुमार का इंप्रेशन एक कॉमेडियन का था लेकिन जब पहली बार फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की तो बहुत सीरियस फिल्म बनाई है, बहुत सीरियस कंपोजर हैं किशोर कुमार। याद कीजिए महमूद ने भी जब पहली बार इतना बड़े कॉमेडियन, इतना बड़ा कॉमेडी किंग पहली वो फिल्म बनाते, कितनी सीरियस फिल्म बनाते हैं। टोन, इंटोनेशन उसका सब प्लॉट बहुत सीरियस है, कुमारा बाप। बात कर रहे हैं किशोर कुमार की, अनादर जीनियस। तो उन्होंने लीना चंदावरकर को कहा कि कहानी सुन लो, अगर कहानी ठीक लगे तभी करना। लीना चंदावरकर ने कहानी सुनी और कहानी उनको पसंद आई, मन बना लिया। संजीव कुमार और लीना जी के पिताजी के बीच में अच्छी दोस्ती थी, तो एक दिन संजीव कुमार ने मौका देखकर लीना के पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा।
लेकिन लीना ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अभी फिलहाल वो एक फिल्म कर रही है किशोर कुमार के साथ। इतना सुनते ही संजीव कुमार के पैरों तले जमीन खिस गई। लीना ने जैसे ही कहा कि वो तो फिल्म कर रही किशोर कुमार के साथ, संजीव कुमार इनसिक्योर हो गए। और संजीव ने लीना से कहा कि तुम किशोर के साथ फिल्म मत करना, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, वो किसी भी तरीके से अपनी फिल्म की हीरोइन को पटा के उसके साथ शादी कर लेता है। अच्छा साहब, अभी देखिए, उस वक्त लीना ने ये बात अनसुनी कर दी। अब जब लीना किशोर कुमार के साथ फिल्म की रिहर्सल कर रही थी, फिल्म की तैयारी में लगी हुई थी, तो एक दिन मौका देखकर नटखट किशोर कुमार ने रख ही दिया शादी का प्रस्ताव। लीना के सामने आई लव यू बबलू जो भी कुछ हुआ होगा, पहले तो लीना जी ने मना कर दिया। संजीव कुमार की याद आ गई कि बड़ा नटखट है अपनी हर हीरोइन को। उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे किसी ने आपके बारे में कहा था कि आप एक ना एक दिन ये प्रस्ताव शादी का मुझे जरूर करोगे, मुझे नहीं करनी शादी और आपको मुझे फिल्म भी नहीं करनी है। ये सुनकर किशोर कुमार ने उन्हें समझाया कि शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मेरी फिल्म तो कर लो। चलो अब मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो अब लीना ने भी समझा कि भाई फिल्म तो कर लें, शादी वादी नहीं करूंगी मैं आपके साथ। काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फिल्म में काम करते करते किशोर कुमार ने लीना जी को आटे में ले लिया। दोनों की शादी हो गई, फिल्म नहीं बनी, लेकिन लीना चंदावरकर से शादी जरूर उन्होंने कर ली। किशोर कुमार बगैर पैसे के लिए बहुत बहुत सेंसिटिव थे। किशोर कुमार बिना पैसे लिए काम नहीं करते थे, पहले पैसा फिर बाद में काम। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां उन्होंने पैसे को नहीं देखा। राजेश खन्ना की फिल्म अलग अलग के लिए किशोर कुमार ने सिर्फ एक रुपया लिया था पारिश्रमिक के तौर पर। जब सत्यजीत रे मास्टरपीस पाथेर पंचाली बना रहे थे तो उस वक्त उन्हें 5,000 रुपए की जरूरत थी। किशोर कुमार को ये बात मालूम हुई तो किशोर कुमार ने 5,000 रुपए दिए। किशोर कुमार लता मंगेशकर को अपना सीनियर मानते थे, इसलिए सुनने में आया कि वो लता जी से एक रुपया कम ही पेमेंट लिया करते थे। केएल सहगल के बारे में बता चुका, उनके भक्त थे। केएल सहगल से मिलने का उनका ख्वाब था लेकिन जो कभी पूरा नहीं हो पाया। किशोर कुमार ने 2,500 से भी ज़्यादा गाने गाए, न केवल हिंदी बल्कि कई भाषा में, असमिया में, बंगाली, भोजपुरी, अंग्रेजी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, पंजाबी। कई फिल्में डायरेक्ट की, कितनी फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया, 14 फिल्में प्रोड्यूस की, 24 गीत लिखे, 12 फिल्मों को डायरेक्ट किया, 15 फिल्मों की कहानियां लिखी और 5 फिल्मों का स्क्रीन प्ले भी लिखा। मुझे नहीं लगता है कि किशोर कुमार बहुत रेयर घटना है, रेयर पर्सनैलिटी है, रेयर इंडिविजुअलिटी है। ऐसा टैलेंट शताब्दियों में कभी आता है। और किशोर कुमार की लाइफ को देखकर एक और पता पड़ता है कि शायद ही अपने जन्म स्थान छोड़कर किसी और शहर में बसने वाला आदमी का जुड़ाव अपनी जन्मभूमि से इतना रहा हो जितना किशोर कुमार का खंडवा के साथ रहा। 27 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुए मगर सिर्फ 8 बार पुरस्कार मिला। अफसोस, आयरनी, दुर्भाग्य, इतने महान कलाकार को आज तक किसी तरह का राष्ट्रीय सम्मान, नेशनल अवार्ड या पद्मश्री तक नहीं मिला है। डैनी डेंगजोंगपा बताते हैं कि 13 अक्टूबर 1987 को जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने उन्हें फोन किया और बोले घर आ जाओ। डैनी बोले दादा क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, मैच खत्म करते ही घर आ जाता हूँ। मैच खत्म हुआ, डैनी किशोर कुमार के बंगले पे पहुंचे, जो बंगला उन्होंने माँ के नाम पे रखा था, गौरी विला। तो उन्होंने देखा बप्पी लहरी और बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं और पता लगा कि दादा नहीं रहे। उन्हें आज भी याद है कि सामने दादा चिरनिद्रा में सोए थे और थोड़ी ही दूर पर एक गाना चल रहा था, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर चला। इस महान कलाकार को श्रद्धांजलि देते हुए विराम देते हैं आज के इस महफिल को। किशोर कुमार
संगीत प्रेमियों के दिल में हमेशा थे और हमेशा बने रहेंगे। श्रद्धा सुमन हमने आप अर्पित किए इस शो में। अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें SMS कीजिए। हमारा नंबर है 55454। लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफर एंड देन योर मैसेज। आभारी हूँ आप सबका। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।